हेलो गाइस, ये मुंबई में जुहू बीच है। अक्सर मैं यहाँ आ जाता हूँ जब मेरा मन करता है। आज भी सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे यहाँ आया और बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है यहाँ थोड़ी देर बैठ के वॉक करके। मैं आपसे भी कहूँगा कि जब भी आप कभी डिप्रेस फील करें, थोड़ा सा स्ट्रेस लगे, तो अपने आसपास जहाँ भी कहीं थोड़ा सा पानी हो, नदी हो, तालाब हो, तो वहाँ जाकर थोड़ी देर बैठें, थोड़ा वॉक करें, तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा। पानी की खासियत है कि आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी अपनी ओर ले लेता है और पॉजिटिव एनर्जी आपको लेता है, तो बड़ा सुकून फील करेंगे आप। दोस्तों, आज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जुहू बीच आए तो सोचा कि क्यों ना भगवान के दर्शन भी कर लिए जाए। जुहू बीच से बहुत ही नज़दीक में बड़ा ही सुंदर मंदिर है, इस्कॉन टेंपल। तो चलिए आपको भी दर्शन करा देते हैं, आइए। अब हम पहुंच गए इस्कॉन टेंपल जुहू। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम भगवान के दर्शन करने के लिए अंदर जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। और यहीं पर भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद भी मिलता है, लेकिन ये फ्री नहीं है, इसकी अच्छी खासी कीमत है जो आप देख सकते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली को एक बार सोचना पड़ेगा। हम पहुंच गए मंदिर के अंदर बीचों बीच। ये अंदर से पूरा मंदिर का परिसर है जो बड़ा ही सुंदर है, काफ़ी फूल और मालाओं से सजाया हुआ है जो आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। हम आपको और भी बेहतर तरीके से दिखा सकते थे, लेकिन एक्चुअली यहाँ शूटिंग करना अलाउ नहीं है। हमने बड़ी ही मुश्किल से थोड़ा बहुत शूट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको भगवान के दर्शन कराते हैं। और यहाँ पर प्रवचन भी चल रहे हैं जो आप थोड़ी देर बैठकर सुन सकते हैं, मन को बड़ी शांति मिलेगी। फाइनली हम भगवान के सामने आ गए, आप भी दर्शन कर सकते हैं। ये है मंदिर का कॉरिडोर जो बहुत ही सुंदर है, बहुत सारे भगवान यहाँ विराजमान हैं। जितना हो सकेगा हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। मंदिर से जुड़े लोग यहाँ बैठकर भगवान के लिए फूल मालाएं बनाते हैं। मंदिर से जब दर्शन करके आप बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा मार्केट मिलेगा, जहाँ पर कपड़े, खिलौने, मूर्तियाँ, बुक्स और भी काफ़ी कुछ मिलेगा, और इसके लिए आपको अच्छी खासी कीमत देनी पड़ेगी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मंदिर में नहीं, अब हम कहीं सुपर मार्केट में आ गए। और लास्ट में मिलेगी आपको मिठाई और नाश्ते की दुकान, यहाँ भी देसी घी के नाम पर अच्छी खासी कीमत वसूली जाती है। खैर, ऐसा हमारे यहाँ अमूमन कई मंदिरों में होता है। दोस्तों, हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन धर्म की आड़ में कोई बिजनेस चलाए तो मन थोड़ा दुखी होता है। आपकी क्या राय है प्लीज़ कॉमेंट्स में बताएँ।
क्या चल रहा है? मतलब दिस इज नॉट हेल्दी एट ऑल, व्हाट आर यू ईटिंग? समोसा? हाँ एक्चुअली मैं हेल्थ कॉन्शियस तो हूँ, फिटनेस का ध्यान रखता हूँ, लेकिन कभी कभी चीट डे और मैं मंदिर दर्शन करने आया था तो बड़ी भूख लग गई थी मुझे। लेकिन आपको लगता नहीं है ज़्यादा हो गया? इसमें बहुत कैलोरीज होती है इन समोसा, डीप फ्राइड। लेकिन कभी कभी के लिए चलता है, मैं जिम में जाऊँगा, हैवी वर्कआउट करूँगा, सब कुछ ख़त्म कर दूँगा, सारी कैलोरीज बर्न कर दूँगा, तो वापस से फिट हो जाऊँगा। कभी कभी अपना मन का काम कर लेना चाहिए। अच्छा, वेरी गुड। चलो तो आप खाए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। सब हो गया खाना खा के? खाना नहीं खाया। नहीं खाना ही खाया आपने? किया, खाली एक समोसा खाया। झूठ किसे बोल रहे हो आप? Honestly, I'm telling you, मैं झूठ। अच्छा, कूपन दिखाइए। किसकी तरह? किसकी तरह झूठ नहीं बोलता? झूठ बोलती है, शाजी नहीं बोलता। शाजी नहीं बोलता? बिल्कुल नहीं बोलता। अच्छा, तो अभी ये भी आप खाने वाले हैं? दोस्तों कुछ भी खा लो, लेकिन भगवान का जो प्रसाद होता है उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। सही बात है। आत्मा की तृप्ति होती है, जो संतुष्टि मिलती है, वो किसी भी खाने में नहीं मिलती। आपको पता है अभी उनका अच्छे से प्रॉपरली मतलब खा के हो चुका था, बट स्टिल ही इज हैविंग प्लेस इन हिज स्टमक, और अभी तक ही इज ईटिंग ओनली। दोस्तों ये लीना झूठ बोल रही है। जब मैं प्रसाद ले रहा था तो उसने ये बोला कि मेरे लिए भी लो और थोड़ा ज्यादा लो, मैं थोड़ा ज्यादा खाऊंगी, इसलिए मुझे ज्यादा लेना पड़ा, मैं बहुत थोड़ा सा खाता हूँ। मैंने बोला आपको? जी नहीं, मैंने नहीं बोला इनको। बोला ऐसे इशारे में बोला। इनका बहुत अच्छा थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, ये अच्छे से खा लेते। कोई बात नहीं, आफ्टर टू प्लेटर्स ऑफ फूड ही इज हैविंग दिस प्रसाद। ओह माय गॉड। कोई नहीं, तो चलिए दोस्तों आज मंदिर दर्शन हो गए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। गाइज, इस्कॉन टेम्पल के ठीक सामने एक श्री मुक्तेश्वर देवालय करके एक टेम्पल है, हमने सोचा आपको वहाँ भी दर्शन करा दें अगर यहाँ आए ही हैं तो। अक्सर जो इस्कॉन टेम्पल आते हैं वो यहाँ भी जाते ही हैं।